सिवान जिले के मैरवा में आए दिन हमेशा देखने को मिलता रहता है कि मैरवा पुलिस शराब तस्करों को तस्करी करते हुए गिरफ्तार करती है, लेकिन शराब तस्करों को पुलिस से ना ही कोई डर और ना ही कोई परवाह है। आपको बता दें कि मैरवा पुलिस जांच अभियान के दौरान नौका ढाला पर बाइक के साथ दो तस्कर को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसमें एक 14 साल का लड़का भी शामिल है। आखिर इसका वजह क्या है कि इस उम्र में लड़का पढ़ाई लिखाई को छोड़ शराब की तस्करी कर रहा है? कौन है वह जो कि इस उम्र में लड़का से शराब की तस्करी करवा रहा है? इसका जिम्मेवार कौन होगा? सीएम नीतीश कुमार को चाहिए कि एक ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे लोग जागरूक हो सकें और कम उम्र के लड़के शराब की तस्करी छोड़ सकें। जिस तरह से कम उम्र के लड़के को शराब के साथ पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसी तरह एक ठोस कदम उठाकर जो व्यक्ति शराब की तस्करी करवा रहा है उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजे। मैरवा पुलिस मैरवा के विभिन्न जगहों पर जांच अभियान तेज कर दिया है जिससे शराब की तस्करी पर रोक लग सके। ठीक उसी तरह मैरवा पुलिस ने जांच अभियान के दौरान नौका ढाला पर उत्तर प्रदेश की तरफ से बाइक पर सवार होकर शरीर में शराब को छिपाकर लेकर आ रहे थे, तभी मैरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौका ढाला पर 35 पीस बंटी बबली देसी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर अंदर थाना क्षेत्र के तियाई गांव के गंगा बैठा का 32 साल का पुत्र मुकेश बैठा है, तो दूसरा पड़ेजी गांव के राजू शाह का 14 साल का पुत्र सुजीत कुमार के रूप में मैरवा पुलिस ने पहचान किया है।